माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आपको मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग बताने जा रहा हूँ, जिसमें कंपास के जरिए अपन सर्वे करेंगे। तो इसमें एक ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का सर्वे करना है। तो इसमें सबसे पहले एरिया टू बी सर्वेड होता है। तो एरिया टू बी सर्वेड इज एग्जामिन्ड थ्रूली टू सिलेक्ट द ट्रेवर्स स्टेशन। ट्रेवर्स स्टेशन सिलेक्ट करने के लिए एरिया का अपन सर्वे करते हैं, और इसमें ए बी सी और डी, आप ये चार स्टेशन देख रहे हैं, ये चार स्टेशन डी, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और एक रफ स्केच बना लेते हैं, प्रिपेयरिंग ए रफ स्केच, और एक रफ स्केच बना दिया जाता है। द स्टेशन ए बी सी डी आर मार्क्ड बाय फिक्सिंग पेग्स, और इन ए बी सी और डी स्टेशनों को पेग के जरिए निशान लगा दिए जाते हैं, पेग गाड़ दिए जाते हैं ना, एंड रेंजिंग रॉड्स, और उसकी जगह साथ में एक रेंजिंग रॉड लगा दी जाती है बगल में, जिससे ये दूर से नजर आ सके ना। ऑल विजिबल फ्रॉम वन अनदर, आप देख रहे हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, आप इजीली देख सकते हैं ना? और एंड नियर बाउंड्री ऑफ द फील्ड एज पॉसिबल, और ये जो बिल्डिंग है पूरी इस ए बी सी डी में कवर हो गई है, या कोई खेत का एरिया है या कोई और फॉरेस्ट का एरिया है तो उसको आप कवर कर दीजिए। यहाँ पे अपन बिल्डिंग का प्लान लेके सर्वे कर रहे हैं। तो ये चार अपन ने ऐसे स्टेशन लगा लिए जहाँ पे अपन उसको इजीली देख पाएंगे, है ना। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट देयर इज नो मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे आप सर्वे करने जाओ तो ये देखो कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, जैसे हाई टेंशन लाइन ऊपर से जा रही हो वो नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह आसपास गड़े हो तो उस टाइप का एरिया नहीं होना चाहिए सिलेक्टेड स्टेशन के आसपास, ठीक है। रेफरेंस स्केच शुड बी प्रिपेयर्ड। ये रेफरेंस स्केच एक ये ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी आपके मुख्य स्टेशन हो गए, इन स्टेशनों के लिए एक रेफरेंस स्केच जो आप नीचे देख रहे हैं, ये एक रेफरेंस स्केच ए स्टेशन के लिए मैंने बनाया है। ए से साइकिल स्टैंड, ये साइकिल शेड की दूरी, एक परमानेंट बिल्डिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसकी दूरी, और प्रिंसिपल रेसिडेंस, ये जो आप इस चित्र में यहाँ देख रहे हैं प्रिंसिपल रेसिडेंस, ये प्रिंसिपल रेसिडेंस ये ए स्टेशन से 3 की दूरी मैंने मेजर की हुई है, जिससे ये स्टेशन कहीं घूमेगा नहीं। ये कभी मान लो अगर कहीं ये पॉइंट इधर उधर हो भी जाए तो ये इससे दूरी नाप के, 3 दूरी नाप के इस स्टेशन को अपन निकाल सकते हैं। इसलिए एक रेफरेंस स्केच बना लिया जाता है, उसको फील्ड बुक में नोट करना है, सबसे पहला काम ये करना है। रेफरेंस स्केच शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी ट्रेवर्स स्टेशन, ये सभी स्टेशन के लिए बनेगा, ये ए स्टेशन के लिए बना है, इसी तरह भी स्टेशन के लिए बनेगा, सी और डी के लिए बनेगा, अलग अलग स्केच बनेंगे, ठीक है, इस टाइप से बना लेंगे। बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, मतलब कम से कम 2 मेजरमेंट होना चाहिए, जैसे ये साइकिल शेड का लिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का लिया है, तीसरा भी लिया है फ्रॉम सम परमानेंट पॉइंट, ये तीनों परमानेंट पॉइंट से लिए हुए हैं, क्लियर। ये दोनों काम करने के बाद द कंपास इज सेटअप एट द स्टार्टिंग स्टेशन ए, अब कंपास को ए पॉइंट पे सेट कर देंगे, एंड बेरिंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड स्टेशन बी, और यहां से बी का बैरिंग ले लेंगे, मतलब ये आपका फॉरवर्ड बैरिंग होगा, ए से बी फॉरवर्ड बैरिंग ले लेंगे, एंड बैकवर्ड बैरिंग, यहां से आप ए से डी स्टेशन का बैरिंग भी ले सकते हैं, ये बैक बैरिंग होगा, ये दोनों टेकन ले लेंगे एंड रिकॉर्ड, और फील्ड बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ए बी चेन, और लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ए बी, इससे इस स्टेशन की दूरी टेप से नाप लेंगे, क्लियर, ऑन बोथ साइड ऑफ द चेन लाइन, एंड ऑफसेट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द चेन लाइन आर टेकन, और इस यहां से यहां तक की दूरी के बीच में यहां से जाते टाइम जो भी लेफ्ट साइड या राइट साइड कुछ ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऑफसेट, जैसे अपन चेन सर्वे करते हैं उसमें लेते हैं, उस टाइप से ऑब्जेक्ट भी नोट करते चलेंगे फील्ड बुक के अंदर, एट द सेम वे इन द चेन सर्वे, ठीक है ना। Having arrived at the second station B, अब B स्टेशन पर आप पहुंच गए बाद में, the length of the first line AB, अब आपने AB की लाइन मेजर कर नाप ली है, उसको आप फील्ड बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, अब आप कंपास को B पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। द कंपास इज देन सेटअप एट द स्टेशन B,
अब कंपास को बी स्टेशन पे सेट किया एंड यहां से क्या लोगे आप, बैक बेरिंग लोगे ए का, ठीक है। तो बेरिंग बी, बेरिंग टूवर्ड्स द बैक स्टेशन ए एंड फॉरवर्ड स्टेशन सी, बी से सी की तरफ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बी से सी का दोनों के बेरिंग्स नोट कर लेंगे, बी से ए और बी से सी, इसको फील्ड बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। द लेंथ ऑफ सेकंड लाइन बी सी मेजर्ड, और बी और सी की लेंथ टेप से मेजर की लिया कर ली जाएगी, है ना। एंड ऑफसेट सिमिलरली, ऑफसेट्स आर टेकन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड टेकन एज बिफोर, जैसा पहले हमने लिया हुआ है, ठीक है, ये ले लेंगे। तो द वर्क इज कंटिन्यूड इन द सेम वे, और ये पूरा वर्क सी पे आ जाएंगे, सी से डी ले लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सी से बी को नोट कर लेंगे, डी पर आ जाएंगे, डी से ए नोट कर लेंगे और डी से सी नोट कर लेंगे। ये पूरा ट्रेवर्स इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट करने के बाद आपको अब ये देखना है कि ट्रेवर्स में भी रन इन द क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, इन दिस केस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि अपन ए से बी को जा रहे हैं, बी से सी को जा रहे हैं, सी से डी को जा रहे हैं, इस टाइप से घूम रहे हैं, मतलब अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। ये आपको नोट करना है फील्ड बुक के अंदर। द ऑब्जर्व्ड बेरिंग आर वेरीफाइड, अब इन बेरिंग्स में लोकल अट्रैक्शन हो सकता है, उसको अपने को ये सारे आपने नोट कर लिए फील्ड बुक में। उसके बाद आप उसको लोकल अट्रैक्शन की जिस तरह से प्रॉब्लम करते हैं, तो यहां अगर लोकल अट्रैक्शन है तो वो लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम करके इसको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। लोकल अट्रैक्शन की मेथड लोकल अट्रैक्शन अप्लाइड होगा, करेक्शन मतलब लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन अप्लाइड होगा इसके ऊपर। और दूसरा है, इन दिस मेथोड क्लोजिंग एरर में आकर, अब क्लोजिंग एरर आपने अभी पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट में आपको मैं क्लोजिंग एरर कैसे निकालते हैं, मतलब ए बी सी डी आप जब प्लॉट करोगे तो ए बी सी और डी डी पे आएंगे तो ए स्टेशन पे मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा तो वहां पे क्लोजिंग एरर आएगी। तो प्लॉटिंग में क्लोजिंग एरर आती है, उसको अपन प्लॉट करके दूर करते हैं, वो मेथड में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसको दूर किया जाता है, यहाँ नोट तो कर ही लोगे आप, ठीक है। द एरर इज एडजस्टेड ग्राफिकली, वो एरर को अपन ग्राफिकली एडजस्ट करते हैं बाय बोर्ड विच रूल बोलते हैं उसको, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ये मेथड यहाँ पे इस तरह से पूरी हुई, ए से बी जाना है, बी से सी, सी से डी के बेरिंग्स नोट करने हैं सारे, इस तरह से ये मेथड कंपास की ट्रेवर्सिंग की जाती है। और बोर्ड विज रूल वाला मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये आपको मैं दिखा देता हूं कि ये इस तरह से रखा हुआ है, ये पहली है, ये आप नोट करना चाहें तो लेक्चर बन सकता है, इसका नोट्स बन जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। इसका अगला वाला, जो मैंने अभी आपको समझाया है वही चीज यहाँ पे नोटेड है, ये काफी लंबा था, समय बचाने के लिए मैंने इस टाइप से आपको समझा दिया, उसको कंप्लीट किया है। Thanks for watching.